हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथ बस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि अगर हम फन ट्रैक लगाते हैं तो हम लोग न्यू घर पे स्पॉन होते हैं। तो गाइस देखो, मैंने लगा दिया है फन ट्रैक, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम लोग ना न्यू घर पे ही स्पॉन हुए थे, इसलिए मैं अब आपको ये स्लो मोशन में करके दिखाऊंगा। अब आप बिल्कुल ही ध्यान से देखना गाइस, ये जो दीवार आई ना, ये न्यू हाउस की थी, है ना। तो ये तो पक्का हो गया कि हम लोग न्यू हाउस से आते हैं, पहले ओल्ड हाउस से स्पॉन होके आते थे, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि स्टिकी मैन बनो फिर स्लो मोशन लगाओ, स्काईफॉल और स्टिकी बॉम्ब को एक साथ दबाओ फिर देखो। तो पहले हमें स्टिकी मैन बनना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को कुछ स्टिकी बॉम्ब जमीन पर डालने पड़ेंगे, इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेना, और इनके बीच में आके हम लोग करेंगे स्काईफॉल 1120 की चीट कोड से। फिर जैसे ही आप गिरते हो इन पे, तो स्टिकी बॉम्ब जो है वो आपके शरीर पे चिपक जाते हैं। अब हमें स्काईफॉल और स्टिकी बॉम्ब साथ में एक्टिवेट करना है गाइस, तो इसलिए स्लो मोशन लगेगा। तो देखो, मैंने जल्दी से चीट कोड लगाया स्काईफॉल का और एक्टिवेट दबा दिया, तो अब दोनों चीज़ हो चुकी है। तो हमारे स्टिकी बॉम्ब एक्टिवेट हो चुके हैं और साथ में हमारा स्काईफॉल भी लग गया। और एक और बात नोट करो गाइस, तो जो स्टिकी बॉम्ब फटे हैं ना हमारे ऊपर, भाई इससे मेरी हेल्थ तो कम हुई है लेकिन मैं आउट नहीं हुआ गाइस। स्टिकी बॉम्ब से कभी भी आप बच नहीं सकते, स्टिकी बॉम्ब अगर फटा तो भाई आप वेस्टेड हो जाते हो। लेकिन देखो, यही था मैजिक कि हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ और साथ में बहुत ही ऊंचा स्काईफॉल हुआ है गाइस। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ स्टिकी बॉम्ब से ना जमीन पर डाले हुए, और देखो जब मैं एक्टिवेट करता हूँ तो हम लोग आउट हो जाते हैं, लेकिन तब नहीं हुए थे। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम लोग न्यू हाउस के नीचे वाली दीवार में कोई भी कार स्पॉन करें तो वो नीचे चली जाती है। तो हमारा जो न्यू हाउस है गाइस, इसके बाउंड्री पे एक दीवार है जो कि ये है, ठीक है। अब जितना मुझे लगता है इसी की बात करी गई होगी, तो इस पे हम लोग स्पॉन करते हैं कार। भाई मस्टैंग तो टकरा के बिल्कुल पीछे चली गई, तो शायद अच्छे से स्पॉन किया नहीं हमने। अब मैंने किया ना तो बढ़िया हुई गाइस, ये देखो पूरी जमीन के अंदर धस चुकी है, पार्ट्स पूरे इसके अलग से अलग हो चुके हैं, और साथ ही में भाई पूरी अंडरग्राउंड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी गाड़ी स्पॉन करे तो वो सारी अंदर ही जाएगी। न्यू बोलेरो को भी करके देखते हैं गाइस, देखो ये भी अंदर चली गई थी और फिर पता नहीं कहाँ उड़ गई। फायर ट्रक बस नहीं गया, शायद बहुत बड़ा है ये, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग को न्यू रैम के ऊपर भाई 1000, 2020 और 3100 वाली कार को स्पॉन करके उसे रोल ऑन कर देना है, फिर देखो मैजिक। तो मैं आ चुका हूँ अपने न्यू रैम पे, जो कि भाई घूमता है गाइस, अगर आपको नहीं पता हो तो इसके ऊपर आके पहले हम लोग वो तीनों कार स्पॉन करते हैं। 1000 से आएगी फॉर्चूनर, 2020 से आएगी इंडीवर, और 3100 से बोलेरो। अब आरजीएस टूल से हम लोग इस न्यू रैम को घुमाएंगे रोल ऑन लिख के। तो जैसे रोल ऑन लिखते हम लोग, ये देखो घूमने लग जाता है, और हमारी गाड़ियाँ जो है भाई, ओरे रे इनके तो चीथड़े देखो हवा में उड़ रहे गाइस। सारे पार्ट देखो, गेट हो गया, ये क्या क्या पता नहीं कौन सा पार्ट है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन ये सब हवा में उड़ रहे यार, जैसे कि आसमान से गिर रहे हो। इतने सारे पार्ट तोड़ दिए यार, 2 सेकंड में तीनों कार्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिए गाइस, फास्टेस्ट तरीका भी है। और देख लो, अगर पार्ट इतने सारे उड़ रहे हैं तो इतनी सारी गाड़ियाँ स्पॉन करके अगर आप करो तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो गाइस, सारी गाड़ियाँ, सारी की सारी जो हमारी थी ना, ये सारी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है यार, थोड़ी भी बची नहीं है। इवन बोलेरो तक भाई पूरी मतलब खत्म हो गई होगी। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि न्यू फायर ट्रक का शेडो नहीं दिखता है। तो न्यू फायर ट्रक का चीट कोड है 606, और अगर आप ध्यान से देखो तो देखो मेरे पीछे जो ट्रेन है उसका शेडो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें इसका शेडो भाई दिखाई दे ही नहीं रहा है। लगता है इस फायर ट्रक का शेडो ऐड नहीं किया है गाइस। नहीं, एक गेट जरूर दिख रहा है, ओके इसका जो एक गेट है इसका एक शेडो दिखता है, और पीछे वाला एक टायर का थोड़ा सा शेडो दिख रहा है, बाकी पूरी जो बॉडी है इसकी वो शेडो नहीं दिखाई दे रही है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप मिनी जेट पैक को लेके कोई भी गन हाथ में लोगे तो वो दिखेगी। तो मिनी जेट पैक का चीट कोड है 330। अब हम लोग बैठते हैं इस पे, अब कोई सी भी गन लेके देखते हैं गाइस। तो ये देखो, जैसे ही मैंने गन ली ना हाथ में, पिस्तल आ गई भाई। पिस्तल मैंने ली थी लेकिन चला नहीं सकते क्या? ओके चला नहीं सकते, चलाने का ऑप्शन दे दो भाई, मज़ा आ जाएगा। ऐसे उड़ते हुए लोगों को गोली मारते हुए जब जाएंगे ना, वही तो असली मज़ा है। सारी गन्स वैसे हम ले तो सकते हैं, स्नाइपर तो बहुत खतरनाक लग रही है, स्टिकी बॉम्ब भी, लेकिन यार चला नहीं सकते। और यही चीज़ मैं बिग जेट पैक को भी ट्राई कर लेता हूँ, इसमें भी देखो सारी गन्स आप ले सकते हो गाइस। इसका चीट कोड वैसे है 320, और इस पे भी सारी गन्स आ जाती है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि बोलेरो में कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बोलेरो का चीट कोड है 3100। ये खोला गैलरी, और येलो ग्रीन ब्लू सब तो हो रहा है इसका कलर, कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑरेंज ब्लैक व्हाइट तो इसका नॉर्मली है, और अगर हम मिक्स करें
तो मिक्स में देखो दोनों गेट का अलग कलर हो जाता है भाई, ये तो खतरनाक है। और फिर RGB भी हो जाता है, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप बीच वाले हट में स्काईफॉल करेंगे तो छत के आर पार चले जाएंगे। ये जो हट है ना गाइस बीच पे, ये शायद से मतलब इसकी छत जो है भाई ट्रांसपेरेंट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने इस पे गोली मार के भी देखी थी तो भाई गोलियां भी आर पार जा रही थी, RPG भी आर पार जा रहा था। तो देख लेते हैं फिर इसके ऊपर स्काईफॉल मार के, मुझे भी ऐसी लगता है कि हम लोग इसके आर पार ही चले जाएंगे गाइस। और ये गिरे हम लोग आर पार, हो गए भाई आर पार, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि स्काईफॉल के साथ जेट पैक में एक साथ बैठो। तो ये रहा हमारा जेट पैक, लगाया मैंने स्काईफॉल और एंटर का ऑप्शन साथ में दबाया और भाई मैं तो इनविजिबल हो गया गाइस, मैं हो चुका हूँ इनविजिबल। मेरे आसपास आप देख सकते हो भाई गाड़ियां भी जो है ना वो भी भाई स्पॉन डिस्पॉन हो रही है बहुत ही तेजी में, और हम लोग भाई बिना इस पे बैठे इसको कैसे चला रहे। मेरा बंदा गया कहाँ मुझे ये नहीं मालूम, मैं उसको ना आसमान में ढूंढने जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद स्काईफॉल किया है तो वो आसमान में ही कहीं होगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है यार, इसके ऊपर हम लोग जा नहीं सकते। लेकिन मजा आ रहा है यार देख के, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि ये चल कैसे रहा है। और यही सेम चीज हम लोग बिग जेट पैक पे भी ट्राई करके देखते हैं, तो इस पे भी 1120 साथ में दबाया एंटर और इसमें भी गायब हो गया गाइस। तो इसको भी आप ऐसे चला सकते हो इनविजिबल होके। और ये जो चीजें जो बगल में कार और NPC ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा बंदा यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे नहीं है तो इसलिए वो चीजें स्पॉन हो सकती नहीं है, इसलिए आपको ऐसे ग्लिच दिखाई दे रहा होगा। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि मिनी जेट पैक को स्पॉन करो फिर बैठो न्यू स्विमिंग पूल में, लैंड करो फिर स्विमिंग पूल में एंटर करके देखो। अब ये चीज हमने बिग जेट पैक से ट्राई करी थी तो हमारा बंदा भाई मोए मोए वाला नाचने लग गया था। अब एक बार वापस हम लोग यही सेम चीज मिनी जेट पैक से ट्राई करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ स्विमिंग पूल में, ये बैठे उतरे फिर बैठे, और यहाँ पे इस पे भी देखो वही वाला डांस चालू हो चुका है गाइस। और ये थोड़ा जेट पैक अलग है ना, इसलिए हमारा बंदा और नीचे लटका ऐसा लग रहा है। वो ये क्या दिखा, अरे ये क्या है गाइस, भाई इसका मुंह दिख रहा है क्या मुझे? फर्स्ट पर्सन में गाइस अगर आप देखो तो मुझे अंदर से दिख रहा है, इसकी आंखें और नाक कान सब दिख रहा है। ये तो डरावना लग रहा है यार, बहुत ज्यादा बंदा डरावना लग रहा है अंदर से। ऐसा लग रहा है कि इसने ना एक मास्क लगा लिया है सामने गाइस, हम इसको इसके अंदर से देख सकते हैं यार, बहुत ही स्केरी मिथ है ये। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आप स्विमिंग पूल का कलर चेंज कर सकते हो RGS टूल में जाके। तो मैं आ चुका हूँ अपने न्यू हाउस के स्विमिंग पूल के पास जिसमें आप तैर भी सकते हो, तो देखते हैं कैसा कलर चेंज होता है क्या। लेकिन इसका कोड क्या था भाई ये तो बताया नहीं तुमने, मैं ही गेस कर लेता हूँ कि अगर इसका कोड होगा गाइस स्विमिंग पूल कलर चेंज कर देते हैं रेड में, तो देखते क्या होता है। हाउस का कलर वाला कोड ही लिखा था मैंने, बट ये हुआ नहीं गाइस। पूल कलर रेड करके देखूँ तो देखते हैं। नहीं भाई इससे भी नहीं हुआ यार, तो ये बिल्कुल फेक मिथ है और ये मिथ बस्टेड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर दो गाइस नीचे अपने अपने मिथ्स ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।